अब हम जा रहे हैं एक दरिया इलाका है, उसको बोलते हैं बल्ला जुल्लम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम हैं मोनूमेंट के आगे, मतलब बहावलपुर के आगे हम हैं, और आज हमारा है स्टार्ट मोटो व्लॉग। हमारी लाल प्यारी फुल ऑन तैयार है, और जब भी मैं अपने बाइक को तैयार करवाता हूँ या रेडी करवाता हूँ, ट्यूनिंग करवाता हूँ, तो मेरा दिल करता है कि लॉन्ग राइड पर जाऊँ, क्योंकि मतलब हमारी फिर से दोस्ती हो गई है। डाउनलोड जब मैं करके आया था तो काफ़ी सारा मसरूफ़ हो गया था, जिसकी वजह से मैं इसको टाइम नहीं दे सका था। लाल प्यारी और ये काफ़ी मिस कर रही थी मुझे, और कल हमने इसको इसके गुरु से मिलवाया है, और काफ़ी मतलब हमारी अब दोस्ती हो गई है। अभी हम चल रहे हैं उच शरीफ, मतलब मज़ा आने वाला है बहुत, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। काफ़ी दिनों बाद हम जा रहे हैं मोटो व्लॉग करने। जब मैं ज़रा टेंशन में होता हूँ और ज़रा डिप्रेस्ड होता हूँ तो मैं मोटो व्लॉग करता हूँ, और जब भी मैं मोटो व्लॉग करता हूँ फ्रेश फील होता हूँ, और मतलब बड़ा मज़ा आता है। मुझे चुल हो रहा था कि यार लॉन्ग राइड पे जाना है, लेकिन मुझे वापस आना था, दिन छोटे हैं। तो उच शरीफ जा रहा हूँ, तकरीबन 78 किलोमीटर है, टाइम 6:47, और टेम्परेचर इतना ख़ास नहीं है, 9°C। ओके, मज़ा आने वाला है। मैंने नीचे स्वेटशर्ट, फिर जर्सी, और ये फिर जैकेट, देखते हैं अगर ठंड लगेगी तो देखेंगे। और नीचे मैंने ट्राउज़र पहना हुआ है, और साथ ऊपर पैंट, और यार साथ में आज मैंने शूज़ भी चेंज किए हैं। तो अभी सूरज तलू हो रहा है और हम निकल रहे हैं उच शरीफ। उच शरीफ में है अहमद भाई, उन्होंने दावत दिया, बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। टाइम वेस्ट के बगैर अभी चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। Big salute to these workers. हमें जाना पड़ेगा अहमदपुर से। ये अहमदपुर रोड है, ये रेलवे रोड है, यहाँ से हम निकलेंगे सीधा अहमदपुर रोड और नेशनल हाईवे। जब मैं भगा रहा होता हूँ ना, मतलब फिर दिल ही नहीं करता स्लो करने का, और मतलब जो फील आ रही होती है, तो फिर मैं कहता हूँ उसको कैप्चर कर लूँ। अभी मैं पहुँच रहा हूँ बहावलपुर की सब्जी मंडी, मतलब यहाँ पे इतना रश होता है। मैं यहाँ का ब्लॉग मैंने बनाया था मंगल को, और जैसे ही मैं घर से आया यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया और मैं ब्लॉग करता रहा, फिर मुझे पता चला कि बाद में लिखा हुआ था आगे नो मेमोरी कार्ड, मतलब मेमोरी कार्ड में घर हो रहा है। लो यार चेक कर लो फिर, मतलब उस टाइम मुझे क्या फील हुआ होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी पूरे शहर को यहाँ से जाती है सब्जी, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट को, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट से अहमदपुर शर्किया 5.40 किलोमीटर पे हम जाएंगे, तो N5 आएगी, N5 से आगे 40 है, 50 है। We'll be right back.
सोच रहा था जाते जाते कि यार काश यहाँ पे मुझे ट्रेन मिल जाती। ओए हो यार कमाल फील है यार, मॉर्निंग वाइब्स। ओए हो क्या फील आ रही है यार। अभी मैं रुका हूँ यहाँ पे, नूरपुर नरंगा आने वाला है। 7:29 है, हम स्कूल से आ रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है। यहाँ पे मैंने करना है सनराइज़ इंजॉय। लोग सनसेट इंजॉय करते हैं और मैं करूँगा सनराइज़ इंजॉय। सुबह सुबह आप उठते हैं और जब सनराइज़ देखते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका सारा दिन अच्छा गुजरेगा। और जैसे ही मैं ये N5 पे आया हूँ, मतलब हर जगह से सर्दी लग रही थी और एक टाइम आ गया था एक हाथ अपनी मतलब सीट पे रख के ना ऊपर से बैठ जाऊं क्योंकि वही जगह गर्म होती है। एनीवेज बड़ा मज़ा आ रहा है राइड का, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये ग्रीनरी और सामने सनराइज़। ओए होए होए चौक, यहाँ से मैं N5 से कन्वर्ट होना है इधर अहमदपुर शहर, और अहमदपुर से अहमदपुर शरीफ जाएंगे और कुछ शरीफ जाकर हमने अहमद भाई से रब्ता करना। ओके, वहाँ पे आके कॉल करें आपको। वहाँ पे आके कॉल करें। ये है तरंडा मोहम्मद पनाह को जा रही है रोड और ये जा रही है हेड पन्नर को। हमने जाना है पहले। मैं यहाँ तक आया हूँ उचरीफ में, इतनी ठंड लगी है ना, मतलब मेरे जो हाथ हैं वो सुन हो गए थे, टाइप ऑफ मतलब हिल नहीं रहे थे। अभी भी काफ़ी ठंडा है यार यहाँ पे, मतलब बहावलपुर में ठंड नहीं है, यहाँ पे काफ़ी ठंडा है। और जब मैं उचरीफ एंटर हो रहा था यहाँ पे मुझे हल्की हल्की धुंध भी नज़र आई है। इससे पहले का सफ़र फिट था, ज़बरदस्त था, लेकिन यहाँ पे ज़रा ठंड फील हुई है। अभी चल रहे हैं अहमद भाई के पास और मिलते हैं उधर। बॉयज़ एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका भाई आ गया है उच शरीफ में। आज हमारे साथ हैं लोकल गाइड दी वन एंड ओनली अहमद भाई। अहमद भाई इधर देखें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान। वैसे ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम आ रहे हैं ट्वेल्थ से ट्वेल्थ से हमने ये टूर स्टार्ट किया है यहाँ पे
ठीक है, अब हम ये खेतों में गंदों में पानी लगाएंगे। ठीक है, अभी पहले कौन सी इधर उधर लगेगा? नहीं, पहले ये जाएगा उधर सामने घास वाली में। ठीक है, उधर उधर ठीक है। तो फिर उसके बाद ना ऐसे बैग आते जाएंगे इंशाल्लाह, जी फिर वहाँ तक हम जाके रुकेंगे। ठीक है, तो ये सारी चलेगा इंशाल्लाह, ये सारी पिलाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये उमा भाई की मोहब्बत है कि सुबह सुबह इन्होंने हमारे पास हाजिरी दी, दिल खुश हुआ जी। अल्लाह पाक इनको सदा सलामत रखे, अल्लाह पाक इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए, इनकी मोहब्बतों को सलाम को पेश करते हैं। और ये हमारे कदीमी शहर उस शरीफ के सब पास के गाँव के अंदर तशरीफ हमारा है, और उस शरीफ जो है हमारा बहुत ही कदीमी शहर है, यहाँ पर बहुत अलिया अल्लाह के मज़ार हैं। और इंशाल्लाह देखेंगे, दिखाएंगे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे आपको इंशाल्लाह। चलें जी, आज देहाती माहौल स्टार्ट है, चालू है, शुरू है, तो आज फुल टाइम इंजॉय होने वाला, तो चलिए चलते हैं आज। आज का सारा दिन हमने गुजारना है अहमद भाई के साथ, मतलब सारा दिन नहीं, मुझे ये 1-2 बजे हम इनसे इजाज़त ले लेंगे, क्योंकि मुझे जाके घर सोना भी है, और मैंने शाम को आपको पता है मैं बिज़ी होता हूँ थोड़ा। अभी हम चल रहे हैं इनके अहमद भाई के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है? सुबह सुबह देसी पराठा और साथ में साग, देसी अंडा, मतलब अब। लेकिन आज हम जो है ना वो लस्सी और मक्खन से महरूम है। चले कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। लेकिन जो अभी मजा आ रहा है ना साग का, सामने धूप पे बैठ के, ओए ओए यार, जस्ट इमेजिन ब्रो। थैंक यू अहमद भाई यार, आपने बड़ा ऐसे क्या बात है, मजा करा दिया आज। अभी मैं खा रहा हूँ खाना, खाना खा के मिलते हैं। अहमद भाई ले आए हैं अपनी गाड़ी और हम चल रहे हैं घूमने। अहमद भाई हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं एक दरिया इलाका है, उसको बोलते हैं बल्ला जुल्लम, शरीफ में तक उस शरीफ के मुजाफात है। अच्छा, तो हम वहाँ के लिए निकल आए इंशाल्लाह जी ना। और आज हमें कंपनी दे रहे हैं बिलाल भाई। हाँ। बिलाल भाई कैसे? आज बिलाल भाई हमारे साथ जा रहे हैं, अहमद भाई से ना इन्फॉर्मेशन लेंगे उच शरीफ की। उच शरीफ तो बहुत ही कदीम शहर है, बहुत ही कदीम शहर है इंशाल्लाह, और औलिया का शहर है, बिल्कुल औलिया का शहर। आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अभी व्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया, तो अब हम दूसरा व्लॉग शूट करेंगे ताकि 2 सीरीज हो जाए, क्योंकि 1 व्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मतलब यार क्या है?